एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। दिस इज तन्वी शर्मा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो दोपहर में शुरू हो रही है, क्योंकि सुबह से मैं तारक मेहता देख रही थी पहले, और जो आज व्लॉग डालना था वो एडिट कर रही थी, क्योंकि कल तो राखी थी, रात को टाइम नहीं मिला। और फिर आज मैं अभी एडिट करके बस थोड़े टाइम में अपलोड करूँगी। और अभी बज रहे फिलहाल 1, और चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मत रहने का नाम लेके जय माता दी। ब्रेकफास्ट वगैरह तो मेरा हो गया, बाकी आज पूरा दिन शायद मैं घर पे ही हूँ। जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ कि पूरा दिन घर पे वोट होती रही हो, पर अभी तो कुछ भी नहीं है वैसे, अभी तो मैं घर पे ही। तो अभी बाहर से घूम के आया था तो सोने लग गया। ओए, सो रहा है, आंखें बंद इसकी। आजकल तो यार सुबह उठते सबसे पहले मेरा काम यही होता है, तारक मेहता देखना और इसके पुराने एपिसोड देखना। मैंने 31 में पहुंची हूँ, मैं पुराने ही देख रही हूँ, नए वाला देखने में इतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है आलू और पनीर। मतलब मैंने आलू मटर खाया है या मटर पनीर खाया, जब से मैं बाहर हूँ मैं काफ़ी टाइम पर आलू और पनीर खाने लगी हूँ। ग्रेवी तो मम्मी ने तैयार कर दी है। बैठ जा यार, इतनी गर्मी है ना। एक तो मैं क्या बताऊँ, अभी लाइट बंद है तो एसी का लगा हुआ था, सुबह से तो ये कमरा ठंडा है। मैं बाहर की बैठने के लिए, और ये लड़का भी बाहर आ गया, इसको जबकि इतनी गर्मी लगती है। अब इसकी वजह से मैं कहीं और बैठ भी नहीं सकती, इसको इस कमरे में बिठाने के लिए मुझे भी इस कमरे में बैठना पड़ेगा। मैं ये लेके आई नोटी चौको पर, मुझे लगा था ये नोटी चौको पाई है, फिर ये लोटी चौको पाई है, कोई डुप्लीकेट ब्रांड, पर टेस्ट तो सेम ही लगता है मेरे को, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। जब घर से बाहर होती हूँ ना तो मैं ऐसी कोई वीडियोस नहीं बना पाती, वो नहीं होती सूट वगैरह डाल के अच्छे से तैयार थे रुक के, और मैं घर पे हूँ, बेली भी बैठी थी, तो मैंने सोचा अभी लहंगा डाल के एक वीडियो बनाते। मैंने बहुत एक ही बार डाला है बस, मैंने खरीदा था और उसको बस एक बार डाला, और उसमें कोई रील भी नहीं बनाई, कोई फोटो भी नहीं खिंचाई, बस मेरी फ्रेंड की शादी थी उस टाइम में, ब्लॉग में आया वो ऐसा कुछ जो बना मेरे से, मैंने वैसा वो एक हेयर स्टाइल बना लिया है। और मैं मेकअप कर रही हूँ, मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये, बस मैं ये एक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और यूज़ कर रही हूँ एक लिप्स के लिए, लिप इंजेक्शन। बस अभी तैयार होती हूँ मैं, और फिर लहंगा डाल के दिखाती हूँ आपको। बिना ट्राईपॉड के कितना ओखा है यार ये सब कुछ करना। वैसे मैं जितने मर्जी ट्राईपॉड खरीद लूँ, ये मेरा एक ही बच्चा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये अभी भी तबाही में जा रहा है। क्या कर रहा हो, क्या? और बस मैं जल्दी जल्दी आईलाइनर रोज पे थोड़ा सा थोप लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं लहंगा दिखाती हूँ आपको, और लहंगा डाल के भी दिखाती हूँ। अभी जो मैंने मस्कारा भी लगा लिया है, लिप इंजेक्शन इसलिए होता है, थोड़ी सी ना लिप्स को प्लम्प कर देता है। हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि नीचे सब होते हैं, थोड़ी सी शर्म भी आती है। ऊपर कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर लाइटनिंग वाइटनिंग भी अच्छी है, और सबसे मेन ऊपर और ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने ये रखा है वो लहंगा, तो जब मैंने इसको डाला था ना, ये तो सब वही कपड़े पड़े हैं जो है। यार देखना, मम्मा ने इसको, तुझे किसने निकाला बाहर? उसको बंद करके आई थी कमरे में, मुझे था ये तंग करेगा, उसको मैं बंद ही रखती हूँ, पर मम्मी ने पक्का उसको बाहर निकाल दिया होगा, ये रो रहा होगा। तो गाइस ये है मेरा लहंगा, तो ये है इसका दुपट्टा, इसकी चोली। पर जब मैंने डाला था ना तो इसकी चोली में बाजू नहीं थी, मेरी मम्मी ने लगवा दी होंगी, कि उन्होंने ही डाला था मेरे बाद इसको। और ये पीछे से पूरा घाघरा। मैं सोच रही हूँ पहले एक ट्रांजिशन वाली रील बनाऊँ, पर मैंने तो मुँह सजा ही लिया अपना, तो विदाउट मेकअप मेकअप वाला तो हो नहीं पाएगा। मैं सोच रही हूँ लहंगा डाल ही लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ बस थोड़ी सी देर में। तो ये है मेरा वो लहंगा जो मैंने अपने फ्रेंड की शादी पर लिया था, और कोई भी इसमें रील नहीं बनाई थी, तो अभी हम इस पर रील बनाएंगे। इतना बेशरम कुत्ता है ना, इसको जितनी मर्जी गर्मी लग रही होगी पर ये बैठेगा ऊपर ही। यार वीडियो मैंने एक दो तीन, मतलब एक ही बनाई है, एक ही डलेगी वैसे इंस्टाग्राम के रील पे, पर ये जो ये है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसने मुझे इतना परेशान कर दिया ना, वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा, तो अब मेरे को नीचे ही जाना पड़ेगा। दुल्हन बन के ही हूँ, दिन शक इतने से बाल दिखाएंगे, दिन शक ये जब ये शीशा लगा रहे थे ना, मैंने पापा को बोला था पीछे से ना इसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी, पर नहीं, पापा ने लगाया यहीं पे, ना इस शीशे का कोई काम है ना कुछ। जितना बड़े दुल्हन बनने का शौक है ना, मुझे लग रहा है उतनी बकवास दिखूंगी मैं उस दिन। शर्म आ रही है मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि नीचे तो मैं ऐसे बन के जा नहीं सकती, और इसने मुझे तंग कर दिया, अब तो मैं चेंज करके जाती हूँ नीचे, और फिर पढ़ाई भी करूँगा अपनी, है ना, और यो पढ़ना भी है ना अभी। आ गई वापस तो उन कपड़ों में, बैक टू बेसिक।
जहाँ से कपड़े लिए थे वहीं पर रख देते हैं, नहीं तो मम्मी बड़ा डांटेगी, कुछ काम नहीं आता इस लड़की को। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैंने फ़ैन भी नहीं लगाया था क्योंकि फिर वीडियो में फ़ैन की आवाज़ आती है ज़्यादा। पहले ही नीचे चल रही है, जैसे मम्मा का यार, मम्मा आंटी है यार, मैं लड़की हूँ, मेरा फिर भी ये चीज गोल यार, अभी पता नहीं क्यों ऐसे लग रही है, फिर भी थोड़ी सी दिख रही है, बट ये चीज नहीं है ऐसी यार, मेरा मुंह पूरा गोल हो गया, यहाँ पे डबल चिन निकल गई, इतनी गंदी सी मुंह बन गया। मुझे कोई वो चीज़ बता दो, क्या बोलते हैं, सजेशन दो किस चीज़ के लिए। हाँ, इसको ये फैट रिड्यूस कैसे करूँ, और मेरे सच में पहले से थोड़ी सी मोटी सी हो रही है, मुझे बता दो कैसे ठीक हो जाते हैं। लहंगा भाई वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो मैंने आपको बोला था वीडियो बनाना, लहंगा ऐसे रखते रखना क्यों, मैंने डाला था प्रॉपर नीचे से भी डाला था, शायद ऐसे रख दिया। कहाँ से लेके आया तू, किसने दिया तेरे को ये? हाँ, ऐसा अगर उसको केला दूँ ना कभी नहीं खाएगा। हमने कुत्ता थोड़ी पाला, हमने ये बकरी पाली है। इतने दबे पहुँच ले आ रहा, इसको पता है इसने गलती की है, इसको डांट पड़ेगी, है ना। चलो अंदर पढ़ पड़ेगा, अंदर अंदर वो चीज़ है, इसको फाड़नी है, तबाही मचानी है इस कुत्ते ने। डर गया। बज रहे हैं 9 और मैं वीडियो एंड करने वाली थी, मेरे को याद आया कि मैंने वीडियो मतलब एंड नहीं किया है। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बोल रही थी बाय।